फरवरी साल 2016, यही वो महीना था जिसमें हरियाणा जल उठा। आग हरोर थी, मंजर भयानक था। समय बीता और साल भी, लोगों ने बस यही उम्मीद की कि कभी ऐसा दिन ना देखना पड़े। आंदोलन के नाम से ही लोगों के मन में वो डर साफ दिखता है जो बीते साल फरवरी में हुआ। लेकिन आज एक बार फिर आंदोलन की राह जाट नेताओं ने तय की और तारीख भी मुकर्रर हुई, 29। ये वही महीना है जब बीते साल प्रदेश ने भयानक मंजर देखा, लेकिन ठीक एक साल बाद फिर आंदोलन की बात की जा रही है। दरअसल जाट जिसके बाद सरकार की चिंता इसी बात से झलकती है कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से सुरक्षा की मांग की, जिसमें हरियाणा सरकार ने केंद्र से अर्धसैनिक बलों की 55 कंपनियों की मांग की है। वहीं प्रदेश के 7,000 होमगार्ड को प्रदेश सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगा दिया। ऐसे में जाट आंदोलन के ऐलान पर मुख्यमंत्री कहते हैं कि आंदोलन से कोई गुरेज नहीं, लेकिन हालात बिगड़ने नहीं दिए जाएंगे। किसी को अपना एक अधिकार है, उस अधिकार के नाते से नागरिक का जो अधिकार है उसको हम छीन नहीं सकते। शांतिपूर्वक तरीके से कोई बात कहेंगे, हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन किसी प्रकार का कानून उल्लंघन करेंगे तो उसको सख्ती से निपटा जाएंगे। खैर, मसला गंभीर है, इसीलिए लगातार प्रशासन की जाट नेताओं के साथ मीटिंग की जा रही है। शांति बनी रहे ये प्राथमिकता है, और साथ ही सड़कों और रेल व्यवस्था को कोई नुकसान ना पहुंचे इसका खास ध्यान रखे जाने की बात की जा रही है। उम्मीद है कि जो प्रस्तावित आंदोलन है वो शांतिपूर्वक होगा, जैसे आश्वासन दिया जा रहा है। अखबारों में हम पढ़ रहे हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से धरने प्रदर्शन होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है कि ऐसा ही होना चाहिए। प्रजातंत्र में हरेक को अपनी बात कहने का शांतिपूर्वक तरीके से हक है, परंतु अगर शांति को भंग करने की कोशिश की गई तो उसको सख्ती से निपटा जाएगा। जहां एक तरफ आंदोलन की राह पर कुछ लोग हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आंदोलन की राह को गलत भी बताया जा रहा है। ऑल इंडिया जाट महासभा संतुष्ट है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी पैरवी चल रही है उससे हम संतुष्ट हैं। उनकी घोषणा, उसकी धरनों की घोषणा कर रखी है 19 डिस्ट्रिक्ट, उसमें आपका कोई, हम यही तो बात कर रहे हैं कि भाई ऑल इंडिया जाट महासभा उस धरनों में हिस्सा नहीं लेगी और हम ये चाहते हैं कि ये धरने स्थगित कर दिए जाए। जाट आंदोलन पर लोगों की परेशानी जायज है, क्योंकि ठीक एक साल बाद आंदोलन की तैयारी की जा रही है। लेकिन सवाल है कि एक साल पहले भी नेताओं और प्रशासन की तरफ से शांति बनी रहेगी और हालात नहीं बिगड़ेंगे इस बात का भरोसा दिया गया था, लेकिन फिर भी हालात बिगड़े और हिंसा हुई। ऐसे में इस बार भी आंदोलन की बात की जा रही है और प्रशासन फिर वही दावे कर रहा है। सवाल कई हैं, लेकिन लोगों की उम्मीद सरकार से है कि प्रदेश के हालात ना बिगड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी।